बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मैथमेटिक्स क्लासेस ओएलएच मैथमेटिक्स। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। वी आर स्टडीइंग कैलकुलस लिमिट रूल्स एंड फार्मूलाज। अब आपके सामने मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 21 से हम अब स्टार्ट लेने लगे हैं इस लेक्चर में, और इन्हें आप लिखें, याद करें, क्योंकि इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इन्हें प्रूव करना होगा, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए और हमें ये याद रहे कि कौन सा फार्मूला कैसे। जब प्रूव की बात आती है तो आप बुक्स को कंसल्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत लेंथी प्रूव आपको मिलेगा, बट आई बिलीव सिंपलर इज द बेस्ट। मैथमेटिक्स में आप अपनी बात को जितना मुख्तसर कर सकते हैं उतना बेहतर है, जितना शॉर्ट प्रूव दे सकते हैं उतना बेहतर है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जबकि हम कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, या जब हम फार्मूलाज को लिस्ट बना रहे हैं और हमने इनकी बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो लिहाजा हमें एक शॉर्टेस्ट वे में इसे प्रूव करके अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होगी, ठीक है। इन दी एंड आई विल डिस्कस हाउ टू प्रूव इन द शॉर्टेस्ट वे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट ऑल दिस। 21, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 + 1 ओवर एन रेस टू बार एन। मैं ये चाहूंगा कि जब मैं ये लिख रहा हूं तो आप गैस करें कि व्हाट इज इट्स आंसर। होपफुली कि आपको ये याद होगी। नेक्स्ट, लिमिट, ये फार्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 + p/n रेस टू बार एन इज इक्वल टू व्हाट। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 + x, 1/x। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 + px रेज टू बार 1/x। अब इसके हम आंसर लिखते हैं। एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, 1 + 1/n रेज टू पार एन, ये वैल्यू है, ये लिमिट दे रही है आपको वैल्यू ई, दिस इज इक्वल टू ई। और अगर यानी इसमें रूल क्या है, 1/n आ रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो एक्सपोनेंट में होना चाहिए, n/1, ठीक है। नेक्स्ट, 1 + p/n रेज टू पार। अब अगर उस रूल को देखा जाए कि p/n अगर आ रहा है तो फिर एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, n/p। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। होगा क्या कि ये आपके पास e की वैल्यू बन जाएगी, p/n है तो अब n/p, ये कंडीशन पूरी हो गई है। लेकिन ये जो रेज टू पार p रह जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा, e रेज टू पार p। नेक्स्ट, सेम इसी तरह आप याद रख लें कि 1 + x है, नहीं दिस इज x/1, तो एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, 1/x, आंसर विल बी e। और अगर यहाँ पे पी एक्स है तो यहाँ क्या होना चाहिए, पी एक्स पी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो आंसर इज e रेस टू पार p, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक अगेन वेल नोन फार्मूला है, मैं लिखता हूँ, आप इसका आंसर गैस करें। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फार्मूला है वो, उसमें आएगा ax - 1/x, इस तरह से। फिर एक फार्मूला है जिसमें आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e/x - 1/x, इसी से मिलता जुलता, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ax - 1/x, ठीक है। इधर e/x भी आ सकता है, बट आंसर इज सेम। अब आंसर देखें, फिर इन द एंड वी विल प्रूव इट। ax - 1/x, एक्स अप्रोचेस टू 0, आंसर इज नेचुरल लॉग ऑफ ए। e/x - 1/x, आंसर इज ऑफ कोर्स, यहाँ पे ए है तो नेचुरल लॉग ऑफ ए आ रहा है, ई है तो नेचुरल लॉग ऑफ ई। एंड व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग का बेस भी ई है, और ई अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो आंसर इज 1। बट इफ एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ax - 1/x, देन आंसर इज इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, वेयर एक्स इज एंगल मेजर्ड इन रेडियन। क्या आंसर होगा? सेम फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स। क्या आंसर होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नाउ साइन एक्स बाय एक्स। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर, एक्स जीरो हो तो साइन एक्स बाय एक्स क्या आंसर देता है, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो साइन एक्स बाय एक्स क्या आंसर देता है। नेक्स्ट कैलकुलस की बुक पे ये भी प्रूव किया गया है, वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये भी फार्मूला प्रूव किया गया, हम इसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स सॉरी एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अब हम इसके आंसर देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स वेल नोन दिस इज इक्वल टू वन, टेन एक्स बाय एक्स अगेन दिस इज इक्वल टू वन, बट इफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, फिर आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट वन। क्यों वन नहीं है? आप जानते हैं कि साइन एक्स जो है ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन के दरमियान रहती है, सो ये तो कभी इन्फिनिटी नहीं होता, दिस इज बिटवीन माइनस वन टू वन। आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि आप एक्स आपका एंगल योर एंगल इज वेरी वेरी लार्ज, अनबाउंडेडली लार्ज, बट वट एवर वैल्यू ऑफ एक्स एंगल जो भी हो जाए साइन एक्स विल रिमेन फ्रॉम माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन, ये इसी स्लॉट में रहेगा वट एवर एंगल इज, और जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा वट विल वी गेट, ए फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी दिस इज जीरो। लिमिट वन माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस इज अगेन जीरो, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ये एक्स पावर एन का डेरिवेटिव है ए पे, सो एन ए रेस टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपने इसके आंसर्स देख लिए सारे के, ये फार्मूलाज आपके पास आ गए। अब एक शॉर्ट सा प्रूफ करते हैं इनका, फिर आगे चलते हैं। प्रूफ के लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, से इज लेट्स से इट्स 33, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। पर फर्ज करें कि लिमिट्स पुट करने से ये आपके पास जीरो ओवर जीरो बन जाए या ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, इन दैट केस दिस लिमिट इज सेम एज दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्राइम एक्स ओवर जी प्राइम एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड लोपिटल रूल। ठीक है, यानी अगर ऐसा हो कि आपके पास क्वोशेंट है दो फंक्शन का एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स और दोनों की लिमिट जीरो हो जाए, यानी कि जीरो बाय जीरो, या दोनों की लिमिट्स इन्फिनिटी हो जाए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है, जिन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये 21 से 25 तक को आप अभी देखेंगे हमने। तो अगर ये दो फॉर्म में से कोई हो जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोपिटल रूल यूज करते हैं। लोपिटल रूल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वही इनके डेरिवेटिव्स की, ठीक है, इन केस इफ इट इज जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन जनरल नहीं, जब ये फॉर्म्स बने जीरो बाय जीरो बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने, आपने क्या करना है, आप फंक्शंस को उनके डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे। आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया गया, अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन रूल बन जाता, सिंपली ये क्या है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, दिस इज कॉल्ड लोपिटल रूल। नाउ लुक एट द शॉर्टेस्ट रूल, अब आप इन्हें प्रूव कर लें, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आप लिमिट पुट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ए रेज टू पावर जीरो क्या होता है, वन, वन माइनस वन जीरो,
एक्स भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म, इसका मतलब है कि लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करें। ए एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एक्स एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ ए, वन का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट पुट करें, एक्स अप्रोचेस टू 0, जब एक्स 0 होगा तो ए रेज टू पावर 0 क्या है? 1। आंसर क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए। सो आंसर इज नेचुरल लॉग ऑफ ए, दिस इज सफिशियंट फॉर अस। और इसमें जस्ट ई आ गया, या इसका प्रूफ भी ऐसे ही कर ले, 0/0 बन रहा है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। लिमिट पुट करें, एक्स अप्रोचेस टू 0, ई पावर 0 क्या हो जाता है? ई पावर 0 1। सो आंसर इज 1। नाउ लुक एट दिस, ए पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स इंफिनिटी पुट करें, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वी कैन अप्लाई लोपिटल रूल। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ए, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1। अब एक्स क्या है? एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब एक्स इन्फिनिटी होगा ए रेज टू पावर इन्फिनिटी, बिकॉज हियर इज कंडीशन दैट ए इज ग्रेटर देन 1, ए रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो आंसर इज इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई दिस इज इन। साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का 1, कॉस एक्स में एक्स को 0 करेंगे, कॉस 0 इज 1, सो आंसर इज 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, टेन एक्स बाय एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स 0, सीकेंट 0 क्या होता है? 1, सो आंसर इज 1। एंड फ्रॉम हियर साइन एक्स बाय एक्स, अब यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पे लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखें जरा, जब एक्स इन्फिनिटी हो रहा है तो साइन ऑफ एक्स, अब साइन ऑफ एक्स तो इन्फिनिटी नहीं हो रहा, साइन ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिटवीन -1 to +1, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, यू नो दैट सम रियल नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स 0, तो यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं है, ना ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इन 31, एक्स 0 होगा कॉस 0 1, 1 - 1 0, 0/0, अब इसका डेरिवेटिव, इस पे लोपिटल रूल अप्लाई करें, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट क्या है? एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन 0 क्या होता है? 0, सो आंसर इज 0। अगेन इफ एक्स इज ए, ए एन माइनस ए एन 0, ए माइनस ए 0, 0/0 फॉर्म, डेरिवेटिव ले, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एन, एक्स पावर एन माइनस 1, ए एन कॉन्स्टेंट 0, नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0, पुट करें एक्स अप्रोचेस टू ए, तो एन ए पावर एन माइनस 1, सो दिस गिव्स द शॉर्टेस्ट प्रूफ ऑफ ऑल दिस। ठीक है, आज है 21 पे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1, 1/∞ 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, नेक्स्ट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी बाय इन्फिनिटी 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, नेक्स्ट एक्स 0 है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, नेक्स्ट एक्स 0 है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है आपने, क्योंकि वेरिएबल चला गया एक्सपोनेंट में, लिहाजा अब आपको मैं हिंट सिर्फ दे रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे अभी लोपिटल रूल की एक्सरसाइजेस के साथ, ये भी हो जाएगी, ये आपका वाई हो गया, नेचुरल लॉग लें, एक्सपेरेंट स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, उसे एक्सपेरेंट को डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये आपके पास बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म, लोपिटल रूल अप्लाई करें और चेक करें कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़